नमस्कार दोस्तों, आप लोग को फिर से हमारे YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। मैं हूं मनीष। अब आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा प्रिंटर। तो प्रिंटर क्या है? प्रिंटर स्टार्ट करने के पहले एक रिक्वेस्ट है, छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, तो जल्द से जल्द लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो ए प्रिंटर टेक्स द प्रोसीड डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर एंड जनरेट्स ए हार्ड कॉपी ऑफ द सेम। प्रिंटर क्या है? पिछला क्लास में हम बताए थे, इनपुट आउटपुट डिवाइस। जब मैं पढ़ा रहा था तो बोला था कि प्रिंटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस का मतलब ही होता है आउट, बाहर, पुट मतलब रखना, यानी बाहर रखना। तो प्रिंटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है जो क्या करता है, कंप्यूटर में प्रोसेस किया हुआ डेटा, कंप्यूटर में प्रोसेस किया हुआ डेटा जिसको हम लोग सॉफ्ट कॉपी भी बोल सकते हैं। इतना लाइन को हम लोग सिंपल छोटा सा सॉफ्ट कॉपी भी बोल सकते हैं, यानी कह सकते हैं कि प्रिंटर जो होता है सॉफ्ट कॉपी डेटा को हार्ड कॉपी में बदलता है। प्रिंटर क्या करता है? सॉफ्ट कॉपी डेटा को हार्ड कॉपी में बदलता है, अर्थात कंप्यूटर में जो प्रोसेस किया हुआ डेटा है, प्रोसेसिंग के बाद जो डेटा आता है उसको पेपर पर छाप कर निकालने के लिए प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। प्रिंटर की सहायता से दे आर कॉमनली यूज टू प्रिंट टेक्स्ट डेटा एंड इमेजेस। प्रिंटर की सहायता से हम लोग क्या क्या प्रिंट कर सकते हैं, क्या क्या पेपर पे छाप सकते हैं? तो कोई टेक्स्ट, टेक्स्ट का मतलब होता है कोई वर्ड, ए बी सी डी, कुछ भी, नंबर भी आ सकता है उसमें, 1 2 3 कुछ भी, या फिर कोई इमेज, कोई पिक्चर को हम लोग छाप सकते हैं। यानी कहने का मतलब है प्रिंटर के द्वारा मुख्य रूप से हम लोग किसी अक्षर को, शब्द को या पिक्चर को प्रिंट कर सकते हैं, पेपर पर छाप सकते हैं। प्रिंटर मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इंकजेट, लेजर और डॉट मैट्रिक्स। इंकजेट प्रिंटर में क्या होता है, इंक डाला जाता है और इंक डालने के बाद ये कार्य करता है। इसका एक बहुत बड़ा डिमेरिट भी है और ये थोड़ा सा कॉस्टली है। इसमें थोड़ा सा समस्या है कि इंक डाले अगर आपका उपयोग नहीं है तो इसमें इंक सूखने का डर रहता है, यानी इंक आपका बर्बाद हो जाएगा, वो इंक सूख जाता है। लेजर प्रिंटर जो कि सबसे अच्छा प्रिंटर माना जाता है, ये काफी फास्ट होता है। ये तीनों प्रिंटर में सबसे अच्छा प्रिंटर लेजर प्रिंटर को माना जाता है और ये सबसे फास्ट कार्य करता है। और इसमें कार्टेज डाला जाता है जिसमें सूखा पाउडर की सहायता से, इंकजेट में इंक डालते थे जो कि क्या होता था, सूख जाने के बाद बर्बाद हो जाता था, और लेजर प्रिंटर में कार्टेज में सूखा पाउडर डाला जाता है जिससे उसमें सूखने का समस्या नहीं होता और ये फास्ट काम करता है। और इसका प्रिंट क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, इसलिए सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला प्रिंटर लेजर प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर डॉट के रूप में इस टाइप का देखे होंगे आप लोग, इस टाइप का आप लोग देखे होंगे डॉट डॉट के रूप में, टेलीफोन बिल, बिजली बिल, रेलवे टिकट, ये सब में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। डॉट डॉट के रूप में ये प्रिंट होता है। अगर ये डॉट को कुछ दिन अगर इस डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से छपा हुआ पेपर पे छपा हुआ डॉक्यूमेंट को आप अपने पैकेट में रखते हैं तो ये कुछ दिन के बाद ये मिटना शुरू हो जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से जो प्रिंट का क्वालिटी है वो उतना अच्छा नहीं है जितना कि लेजर प्रिंटर का है। इसलिए सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला सबसे अच्छा प्रिंटर लेजर प्रिंटर को कहा जाता है। अब हम लोग आउटपुट डिवाइस में स्पीकर के बारे में देखते हैं कि स्पीकर क्या है। तो स्पीकर इज एन आउटपुट डिवाइस थ्रू विच वी कैन हियर साउंड। स्पीकर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है जिसकी सहायता से हम लोग आवाज के रूप में आउटपुट को सुन सकते हैं। विदाउट ए स्पीकर यू विल नॉट बी एबल टू लिसन टू म्यूजिक, हियर एन ऑडियो कंटेंट। बिना स्पीकर के ना तो आप कोई म्यूजिक सुन पाएंगे और ना ही कोई ऑडियो।
तो कहने का मतलब है कि स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है, जो आउटपुट कैसे देता है, तो आवाज के रूप में, साउंड के रूप में आवाज को देता है, आउटपुट को देता है। अब आइए हेडफोन। हेडफोन क्या है? तो दे गिव साउंड आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर, दे आर सिमिलर टू स्पीकर्स एक्सेप्ट दैट दे आर वर्न ऑन द ईयर सो दैट ओनली वन पर्सन कैन हियर द आउटपुट एट द सेम टाइम या एट ए टाइम। कहने का मतलब है कि हेडफोन भी एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है, वो भी क्या करता है, आवाज के रूप में आउटपुट देता है। और यार स्पीकर जैसा होता है, स्पीकर जैसा ही हेडफोन भी होता है, लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, स्पीकर ओपन होता है, खुला होता है, जहां तक उसका आवाज जाएगा, जहां तक उसका साउंड जाएगा, वहां तक के व्यक्ति उस आवाज को सुन सकता है। जबकि हेडफोन में क्या होता है, तो हेडफोन कान में लगाया जाता है, इसलिए जिस व्यक्ति के कान में हेडफोन लगा हुआ रहता है, एक समय में वही व्यक्ति आवाज को, आउटपुट को सुन सकता है, दूसरा व्यक्ति आवाज को नहीं सुन सकता। अब आइए प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर क्या है? तो प्रोजेक्टर इज एन आउटपुट डिवाइस विद विच ए टेक्स्ट और एन इमेज इज प्रोजेक्टेड ऑन टू ए फ्लैट स्क्रीन। ए प्रोजेक्टर इज ऑफन यूज इन मीटिंग्स और टू मेक प्रेजेंटेशंस। इट अलाउज द डिस्प्लेज टू बी विजिबल टू मेनी पीपल। कहने का मतलब है कि प्रोजेक्टर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है, जिस तरह से प्रिंटर आउटपुट डिवाइस था, स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, हेडफोन आउटपुट डिवाइस है, ठीक उसी तरह से हमारा प्रोजेक्टर भी एक आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर में क्या होता है, तो किसी समतल स्क्रीन पे किसी भी पिक्चर को, किसी भी इमेज को, किसी भी वर्ड को बड़ा करके, पिक्चर को प्रोजेक्ट करके दिखाया जाता है। इसका प्रायः उपयोग मीटिंग में, सम्मेलन में या प्रस्तुतिकरण करने में, जहां बहुत सारे लोग, हजारों लोगों का भीड़ है, अगर हम इस बोर्ड से पढ़ाएंगे तो पीछे वाले लोगों को नहीं दिखेगा, तो उसके लिए हम लोग प्रोजेक्टर का उपयोग करते हैं, ताकि किसी भी पिक्चर को, किसी भी सेंटेंस को, किसी भी वर्ड को हम बड़ा करके दिखाएं, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक वो आसानी से दिखाई दे सके। यह क्या करता है, तो स्क्रीन को बहुत सारे लोगों को एक साथ देखने योग्य बनाता है। तो इस प्रकार हम लोग देखे प्रिंटर क्या है, स्पीकर क्या है, हेडफोन क्या है, प्रोजेक्टर क्या है। अब हम एक क्वेश्चन यहाँ पे देखना चाहेंगे कि प्रिंटर और स्कैनर में अंतर क्या है। तो अभी हम बताए थे कि प्रिंटर जो है आउटपुट डिवाइस है, जबकि स्कैनर क्या है, इनपुट डिवाइस है। स्कैनर और प्रिंटर में बेसिक डिफरेंस है कि स्कैनर जो होता है, पेपर पर छपा हुआ डॉक्यूमेंट, यानी पेपर पर छपा हुआ डॉक्यूमेंट को हम लोग हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट कहते हैं, और कंप्यूटर में जो हमारा डॉक्यूमेंट है, जो हम कीबोर्ड के माध्यम से, माउस के माध्यम से टाइप करते हैं, डेटा देते हैं कंप्यूटर के अंदर, उस प्रोसेस किया हुआ डेटा को हम लोग सॉफ्ट कॉपी डेटा कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि प्रिंटर सॉफ्ट कॉपी डेटा को हार्ड कॉपी में बदलता है, जबकि स्कैनर क्या करता है, हार्ड कॉपी डेटा को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है। तो इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि आउटपुट डिवाइस आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रिंटर क्या है, स्पीकर क्या है, हेडफोन क्या है, प्रोजेक्टर क्या है। तो बेसिक कंप्यूटर में अभी तत्काल इतना ही, इसके बाद हम लोग आगे और पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज तक के लिए इतना ही। हमारा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए, ताकि हमारा वीडियो आते ही आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। धन्यवाद।